हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दिनेश सर। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस चैनल के सारे वीडियो को इतने ध्यान से देखा और सीखा, इतने सारे लाइक्स दिए, और आपने जितने भी कमेंट्स दिए, जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे, मैंने पूरी कोशिश की कि आप सभी के हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूँ, और शायद मैंने 90 to 100% सभी को सेटिस्फाई करने का ट्राई किया। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो फॉर्म है वो भर के हो चुका होगा, और बहुत से लोगों ने FYGC का 11th स्टैंडर्ड का ऑप्शन फॉर्म 2 भी भर लिया है। पार्ट फॉर्म 1 तो आपने पहले ही भरा था। अब आपके दिमाग में एक ही कन्फ्यूजन है कि फॉर्म 1 भी भर दिया, फॉर्म 2 भी भर दिया, अब 11th में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है आगे, और अब लिस्ट कब निकलेगी। लेकिन सबके मन में एक क्वेश्चन और है। मैंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे महाराष्ट्र से मुझे यही पूछ रहे थे कि बाइफोकल क्या है, जनरल स्ट्रीम क्या है, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों के सारे डाउट्स में क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बाइफोकल क्या है। दोस्तों, बाइफोकल मीन्स ये साइंस और कॉमर्स दोनों में बाइफोकल, एक स्ट्रीम जो साइंस कॉमर्स का है उसमें ये एक पार्ट है। जैसे कि एग्जांपल लूँगा, साइंस दो टाइप के है, एक तो है जनरल साइंस और दूसरा है बाइफोकल साइंस। जनरल साइंस वो है जिसमें आपको दो लैंग्वेज होते हैं, एक तो हिंदी, मराठी या गुजराती से कोई आप एक सेलेक्ट करते हैं, दूसरा कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज। उसके अलावा आपके मेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। सारे सब्जेक्ट 100 mark के होते हैं। लेकिन अगर आपका एडमिशन बाइफोकल साइंस में होता है तो इसमें जो दो सब्जेक्ट्स है, एक लैंग्वेज और एक बायोलॉजी सब्जेक्ट, ये रिप्लेस हो जाता है किसी एक सब्जेक्ट से, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या एनी अदर सब्जेक्ट। और ये जो बाइफोकल साइंस है, इसमें जो सब्जेक्ट नया आएगा वो दो सब्जेक्ट के बराबर एक सब्जेक्ट होगा, और वो 200 mark का होगा। ये लिमिटेड कॉलेजेस में अवेलेबल होता है, और इसके लिए कट ऑफ भी हाई होता है। इसी प्रकार कॉमर्स में भी दो सब्जेक्ट रिप्लेस होके एक सब्जेक्ट आ जाता है 200 mark के लिए, बट ये बहुत ही कम कॉलेजेस में अवेलेबल है। तो ये तो हो गई दोस्तों बाइफोकल के बारे में। दूसरा तो आपको पता है, जनरल साइंस, जनरल कॉमर्स एंड जनरल आर्ट्स। तो अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जनरल साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स है और बाइफोकल साइंस कॉमर्स है, उसके एडमिशन प्रोसीजर क्या है और उसका शेड्यूल क्या है। यानी कि आने वाले दिनों में जो हमको फॉर्म का रिजल्ट कब आएगा, यानी कि हमारा जो लिस्ट कब निकलेगा, हमको कॉलेज कब अलॉट होगा, पहले लिस्ट में होगा, कितने लिस्ट निकलेंगे, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, अगर लिस्ट में नाम आया तो क्या करना है, एडमिशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकेंड लिस्ट में आएगा, वहाँ आया तो क्या करना है, नहीं आया तो क्या करना है, ये सारी बातें अब इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ शेड्यूल यानी टाइम टेबल, कि कौन कौन सी तारीख को हमारा जो फॉर्म का कॉलेज अलॉट होने वाला है, हमने जो फॉर्म भरा है उसमें फर्स्ट लिस्ट कब निकलेगी, सेकेंड लिस्ट कब निकलेगी, थर्ड लिस्ट कब निकलेगी, और हमको किस किस डेट्स को कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बाइफोकल एडमिशन्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं जनरल एडमिशन्स बताने वाला हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाना। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो बाइफोकल एडमिशन की डेट्स है, बाइफोकल साइंस एंड कॉमर्स। बाइफोकल साइंस और बाइफोकल कॉमर्स की जो फॉर्म भरने की डेट्स है वो 13 June to 18 June, ये फॉर्म भरने की डेट है, यानी 18 June लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है वो 21 June यानी 21 June को 11 बजे दिन में आएगा। अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको एडमिशन लेना है 21 और 22 June, ये दो दिन डिसाइड किए गए हैं, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में आपको जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है। इसके बाद जो आगे की तारीख है 23 और 25 June, उस तारीख में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला था तो आप फिर से अपना प्रिफरेंस फॉर्म भरेंगे, यानी ऑप्शन फॉर्म में आप फिर से कॉलेज के कोड भर सकते हैं, मिनिमम 1, मैक्सिमम 10 फॉर्म।
जिसकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 28 जून को 11 बजे आएगी, 28 जून को 11 बजे सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। और जिसके ऑनलाइन एडमिशंस जो है कॉलेज, जिसको जिस अगर आपको कॉलेज अलर्ट हुआ है सेकंड लिस्ट में, तो आपको 28 एंड 29 जून को 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। मैं आपको बता दूं, बाइफोकल एडमिशन के लिए सिर्फ दो ही लिस्ट निकलेगी और 29 जून को बाइफोकल के एडमिशन फिनिश हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अब जनरल साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो आपने फॉर्म भरे हैं अगर, तो उसका शेड्यूल क्या है। आप कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने अभी डेट्स बताई थी वो बाइफोकल की डेट्स थी। अगर आपने बाइफोकल का फॉर्म भरा है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और डेट्स वापस से एक बार देख लीजिए। अगर आपने जनरल साइंस कॉमर्स या आर्ट्स के फॉर्म भरे हैं तो इस वीडियो को और आगे देखिए, जिसमें मैं आपको डेट्स बताता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने जनरल साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के फॉर्म भरे हैं, उन्होंने उनका जो डेट है फॉर्म फिलिंग, पहले तो कन्फ्यूजन है उनको कि लास्ट डेट क्या है। तो बच्चों, जो 18 तारीख लास्ट डेट है, 18 जून, वो बाइफोकल के लिए। आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 25 जून है, यानी 13 जून से स्टार्ट हुआ है और 25 जून को लास्ट डेट है। शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के फॉर्म भरते हैं तो। ये आपको बता दूं कि 25 तारीख को शाम को 5 बजे फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, तो आप अपना फॉर्म जितना भी जल्दी हो वो भरें। उसके बाद क्या होगा, आपने समझो फॉर्म भर दिया है, आपने अभी भर दिया या कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से आपने नहीं भरा, तो आप जितना भी जल्दी हो फॉर्म भर के रखें, 25 तारीख का वेट नहीं करें। इसके बाद का प्रोसीजर बताना चाहूँगा। सारे फॉर्म्स 25 तारीख को 5 बजे बंद होने के बाद 29 जून को 5 बजे एक जनरल मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है उनकी लिस्ट होगी और सबको एक मेरिट नंबर होगा। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है जिसमें आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है, वो 5 जुलाई को आएगा। ध्यान से सुनिए, 5 जुलाई के शाम दोपहर के 11 बजे, 5 जुलाई को 11 बजे पहली मेरिट लिस्ट निकलेगी। उसमें कॉलेज अलॉट होगा आपको, आपको SMS के जरिए, जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है उस रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको एक SMS आएगा जिसमें आपके कॉलेज का नाम होगा। अगर आपको SMS नहीं आवे तो आपको ये करना है कि आप कंप्यूटर पे जाके अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के चेक करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट 5 जुलाई को, तो आपको जिस कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर जाके एडमिशन लेना है। उसके नेक्स्ट डे 6 जुलाई से लेके 9 जुलाई के बीच में, संडे को छोड़ के, संडे को नहीं जाना है, 6 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में आपको 11 बजे से लेके 5 बजे के बीच में उस कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है। अगर आपका नाम नहीं आया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, या तो आपका नाम आया था और आपने एडमिशन नहीं लिया, या तो आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, या तो आप किसी वजह से नहीं ले पाए, तो आप 10 और 11 जुलाई को दोपहर 11 से शाम के 5 बजे के बीच में फिर से अपना पार्ट टू फॉर्म भर सकते हैं। अपना जो 10 कॉलेज का कोड है वो आप चेंज करके भर सकते हैं। ये होने के बाद जो सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगी वो 13 जुलाई को शाम 4 बजे निकलेगी। ध्यान से सुनिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट 13 जुलाई को शाम को 4 बजे डिस्प्ले होगी वेबसाइट पे। आपको अगर कॉलेज अलॉट होगा तो SMS आएगा या लॉगिन करके आप देख सकते हैं। अगर आपका कॉलेज अलॉट हो चुका है तो आप उसके नेक्स्ट डे 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में, इन दिनों में 14, 15, 16 जुलाई, इसमें 11 बजे से 5 बजे तक उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है। अगर आपका नाम नहीं आया, या तो आपने एडमिशन नहीं लिया, आपको कॉलेज पसंद नहीं है, तो फिर से आपको फॉर्म भरने का चांस मिलेगा। 18 और 19 जुलाई ये दो दिन है, 11 बजे से 5 बजे के बीच में आप पार्ट टू ऑप्शन फॉर्म में फिर से 10 कॉलेज भरेंगे। आप अपने कट ऑफ के हिसाब से भरिए, अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो। हो सकता है आपने हाई कट ऑफ वाले कॉलेज डाले हो, आपके मार्क्स कम है, उसके वजह से कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है ये सब अलॉटमेंट, तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज को डालिए। जो है आपको 18 से 19 जुलाई में फिर से ऑप्शन फॉर्म टू भरना है। अब जो थर्ड लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी 23 जुलाई को 11 बजे, 23 जुलाई को 11 बजे, और
उसके जो एडमिशन होंगे उसके नेक्स्ट डे 24 और 25 जुलाई को होंगे, 11 से 5 के बीच होंगे, थर्ड लिस्ट के एडमिशन होंगे। और आपको अगर कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपको वहाँ जाके एडमिशन लेना है, अगर आपका नाम थर्ड लिस्ट में नहीं आता तो निराश नहीं होना, चौथी लिस्ट भी लगने वाली है। जो चौथी लिस्ट है यानी फोर्थ लिस्ट है, फोर्थ मेरिट लिस्ट, वो 29 जुलाई को लगेगी, 11 बजे डिस्प्ले होगा ऑनलाइन 29 जुलाई को, और आपके मोबाइल पे एसएमएस भी आएगा। अगर आपको एसएमएस नहीं आता तो आपको कंप्यूटर में लॉगिन करके आपको देखना है, आप सिर्फ एसएमएस के सहारे नहीं रहे, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं भी आता। अभी जो ये 29 जुलाई को लिस्ट आएगा उसका जो एडमिशन होने वाला है वो 30 एंड 31 जुलाई को 11 से 5 के बीच में होगा, यानी 30 और 31 जुलाई आप डेट्स देख सकते हैं यहाँ पर, 30 और 31 जुलाई को 11 से 5 के बीच में होगा। इसमें आपको कैसे भी आपको एडमिशन लेना है, इसके पहले जो फोर्थ लिस्ट के पहले फॉर्म फिलिंग होना था ऑप्शन फॉर्म 2, उसमें आपको अपने कट ऑफ और मार्क्स के हिसाब से ही कॉलेज डालना है। अगर आपका मार्क्स 40-50% है, 50% है, और आप एकदम हाई कट ऑफ वाले कॉलेज डालते हैं, ऐसे कॉलेज जहाँ पर 80-90% चाहिए, तो आपको कंप्यूटर अलॉट नहीं करेगा, और ये फाइनल चांस है फोर्थ लिस्ट, इसलिए आप ध्यान से फॉर्म भरेंगे। ये तो हो गई पूरे डेट्स के बारे में कि तारीख क्या है, कौन कौन से डेट्स को लिस्ट लगने वाली है। कुछ बातें, जनरल बातें, कि अगर आपका नाम कॉलेज में अलॉट हो गया है तो आपको क्या करना है, ये टाइमिंग याद रखिए कि आप जब भी कॉलेज में जाएंगे तो 11 से 5 के बीच में ही काउंटर खुला रहेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको कैरी करने हैं जो आप लेके जाएंगे, तो आपको बता दें कि आने वाले वीक में यानी अप्रॉक्स मुझे लगता है 23 जून को आपको मार्कशीट, LC और कल चाचड़ी यानी एप्टीट्यूड टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो स्कूल से मिलेगा। आपको अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, जो जमा करना है कॉलेज में, वो आपके मार्कशीट, LC, आपका आधार कार्ड का जेरोक्स, ओरिजिनल LC और मार्कशीट, किसी किसी कॉलेज में ओरिजिनल लेते हैं, किसी किसी कॉलेज में सिर्फ जेरोक्स लेते हैं। आप अपने पासपोर्ट साइज के फ़ोटो निकाल के रखिए, 8 से 10 फ़ोटो निकाल के रखिए, कॉलेजेस में जमा करने होंगे। आपने जो ये फॉर्म भरा है प्रिंटआउट यानी पार्ट 1 एंड 2 का जो प्रिंटआउट है ये अपने पास रखिए, उसकी 3 से 4 या तो 2 से 3 कॉपी कर लीजिए। और ये याद रखिए कि उसमें जहाँ भी अप्लीकेंट सिग्नेचर का कॉलम है वहाँ आप अपनी साइन कर दीजिए, और प्रिंसिपल सिग्नेचर के कॉलम में आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करा के अपने पास रख दीजिए। अगर आपके स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल कहते हैं कि उनको एक जेरोक्स कॉपी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा कॉपी उनको दे सकते हैं, और अपने पास मिनिमम 2 जेरोक्स कॉपी अपने पास रखिए जिस पे कम से कम एक कॉपी पे प्रिंसिपल की साइन हो, ताकि आपका जब लिस्ट में नाम आएगा तो कॉलेज में सबमिट करने के लिए वो काम आएगा। एक बात और बता दूँ, ये जो आपकी मार्कशीट है, LC है, आधार कार्ड है और प्रिंटआउट्स है, उसके मिनिमम 3 से 4 कॉपीज जेरोक्स अपने पास हमेशा रखिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जैसे मैंने बताया 8 से 10 अपने पास रखिए, मिनिमम 4 से 5 तो रखना ही चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अगर आपका नाम एडेड कॉलेज में आता है तो वो एडेड कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज होता है जिसमें फीस बहुत कम होती है, गर्ल्स के लिए तो और कंसेशन होता है। अगर आपका कॉलेज अनएडेड अलॉट हुआ है तो अनएडेड की फीस ज़्यादा होती है, इसीलिए आप अभी अगर फॉर्म भर रहे हैं या आप लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने के बाद वापस से प्रीफ्रेंस भरेंगे तो ये ध्यान रखिए कि आप ज़्यादातर अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो एडेड कॉलेज के ही कोड भरें, ताकि आपका नाम अगर एडेड कॉलेज में आवे तो आपको 11वीं और 12वीं दोनों साल का जो फीस है वो कम लगे। तो दोस्तों ये तो हुई पूरे 11वीं का जो एडमिशन प्रोसेस है, FYGC का जो प्रोसेस है उसका पूरा शेड्यूल, जिसमें आपने देखा कि कौन कौन से तारीख को बाइफोकल के एडमिशन है, कौन से तारीख को जो है हमारे जनरल साइंस कॉमर्स आर्ट्स के शेड्यूल है। फिर से एक बार शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको याद रखना है कि लास्ट डेट फॉर्म भरने की 25 तारीख है और 5 जुलाई को आपका फर्स्ट लिस्ट निकलेगा और आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो आप निराश नहीं होना, बहुत से लोग डरते हैं कि लिस्ट निकली नहीं निकली कुछ पता नहीं चल रहा है, आप इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं वापस से, डेट अगर आपको समझ में नहीं आ रही है आप इस वीडियो को पीछे जाके देखिए और कंफ्यूज मत रहिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाके आप क्वेश्चन पूछिए, उसके जवाब मैं जरूर दूंगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपका जो एडमिशन है अच्छे से अच्छे कॉलेज में कम फीस में हो जाए,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो बच्चे कन्फ्यूज है एडमिशन प्रोसेस को लेके, शेड्यूल को लेके, उनको समझ में आए और वो अपने कॉन्फिडेंट हो जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।